यार आज संडे है, अब समझ नहीं आ रहा हिकिम जाऊं नहीं जाऊं। 4 महीने के लिए सब रख लेना, 3-4 महीने के लिए। अभी जरा सांस की भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइट पे हूँ। रूम की कंडीशन दिखाऊंगा, पागल हो जाओगे। देखो देखो क्या हालत हो रखी है, हर तरफ सामान ही सामान। एनीवे, आज दूसरा दिन है हिली हिमालय के साथ और आज हम इसी रिवर साइड लोकेशन पर जाने वाले हैं। तो पहले तो जाता हूँ ब्रेकफास्ट करता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। हाथ मुंह धोए हैं, नहाया नहीं हूँ आज, ठंडा पानी चिल्ड मोटे। फटाफट ब्रेकफास्ट करता हूँ, एनर्जी पूरी आज आज पूरी, क्योंकि डेड स्लीप सोया हूँ। डेड स्लीप, आंखें देख रहे हो, डेड स्लीप जिसको बोलते हैं ना, एकदम चित्रावड़े वाली नींद अपनी। दिस इज द ब्यूटीफुल किचन जहाँ पर हम ब्रेकफास्ट लंच डिनर कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका रामलो बाबा, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। आज ब्रेकफास्ट में लेट हो गए हैं भाई लोग, पता नहीं बना दिया है, उठ गए हैं नहीं उठे हैं, क्या कहानी है। मेरा लाइट नहीं है, फोन चार्ज नहीं है। शुक्र है कल मैंने GoPro की दोनों बैटरी चार्ज कर ली थी, तो एक तो डंप पड़ी है, एक मैंने लगा दी है। कोल्ड स्टार्ट करूंगा बिजली को जाके नीचे, उसके बाद हिकिम जाएंगे द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, और वहां से कुछ ना कुछ तो घर के लिए भेजेंगे। ज्यादा मौसम की बात करें काजा की, तो बहुत ही बढ़िया धूप लगी है, तो सुबह ही धूप लग गई है। अब देखो दिन के टाइम इसका जरा टायर आप, क्या था कि रात को देर बड़ी हो गई, रात हो गई और मैं भी बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली लेवल पे थका हुआ था, जिस करके मैंने सोचा कि मैं क्या सोते हैं चुपचाप। लॉग वेंड नहीं कर पाया, 3300 रुपया, आई मीन 3000 का। यही टायर नीचे मार्केट में 2600 रुपए का आता है और ऊपर यहाँ मुझे 3000 का पड़ा है। जो ट्यूब मार्केट में नीचे 120-150 रुपए की आती है, कितने की पड़ी होगी सोच लो, आई गेस 400 रुपए की। हाँ 350-400 रुपए की, मतलब 2 ट्यूब का मैंने 900 रुपया दिया हुआ है। तो ऐसे ऐसी कहानियां, काफी चीजें महंगी हैं यहाँ पर। और मैं ये कहना चाहूंगा ना यार, ट्यूबलेस टायर ना और विद अलॉय यहाँ के लिए है ही नहीं, पेटेबल है ही नहीं रोड्स के लिए। रीजन बीइंग प्रॉब्लम ये रहती है कि देखो, अगर आपके ट्यूबलेस टायर में हल्की सी भी हवा कम होगी और बम्प लग गया तो एकदम अलॉय बेंड हो जाएगा, हल्का सा अगर साइड से चला गया। मेरा टायर पंचर कोई भी नहीं था, बस अलॉय टेटा हुआ था जहाँ से हवा निकल गई, ये सीन है। बाकी थैंक्स टू माई फ्रेंड्स जिन्होंने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प। एक मिनट कैमरा साफ। सफर की शुरुआत ऐसे है कि आज नजदीक जाना है तो पैदल ही जा रहे हैं, थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। सारी गैंग पीछे चल रही है, मजे करते हुए आज भी सफाई करेंगे और 2 बजे फ्री, उसके बाद हिकिम वर्ल्ड का हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। सांस चढ़ जाती है बोलते बोलते, हाय रब्बा। दिस इज द लास्ट एडवेंचर। लास्ट एडवेंचर ऐसा है कि हमें मिल गई है गाड़ी, ये देख रहे हो, सारे लद भर के ले चले भाई। आप भी आ जाओ, मैं तो बोलता हूँ भाई, क्या यार आप भी चलो भाई। आप रह गए, तो सबसे पहले चढ़े थे यार भाई, क्यों आएगा मजा। देखो 3 लड़के अपने वो चल रहे आगे। ओ आई सी डाइट भाई, मेरे लिए दो मालिक, जो भी लाना दो लाना, क्या मजा। देखो यहाँ क्या है ना, ये डालने का अपना मजा है, बाइक का अपना फील है, गाड़ी में मजा नहीं है, छत नहीं मांगता खुला। हाँ हाउ अनलकी यू पीपल, बाय गाइस बाय। अच्छा लग रहा है, नाइस। एक दूसरे की जेब में आ डाल दो, आ नहीं मिल रहा है कुछ पकड़ने को तो। क्या कर रहे हो आज, मेरे को ग्रह लग रहा है मेरी चीजों का, मेरे सामान का। गिर गया यार, और शुक्र मनाओ गिरा तो खिड़की से अंदर की तरफ। मैं शूट लगा करने सौरभ भाई को, कैमरा गिर गया और इस पे 2-4 डेंट भी पड़ गए, आई मीन कैमरा भी नहीं, गार्ड लगा हुआ उस पे, बट दिस इज सेफ। फिलहाल वी आर एट दिस लोकेशन, आज बहुत बढ़िया। नहीं नहीं, वो आउटर लगा, वो पहले लगे थे रोड पे जब गिरा था, और गार्ड लगा है ना, कैमरा भी नहीं है। चलो जी कार शुरू करते हैं, अब कैमरा बंद करते हैं, काम पे लगते हैं, धीरे धीरे अगली कहानी आपको बताते जाएंगे और दिखाते जाएंगे। भाई मजेदार एक्सपीरियंस है हिलिंग हिमालय के साथ काम करने का। एक बोरी प्लास्टिक की जो भरी वो वहीं रख दी मैंने, अब पूरे ऐसे मतलब समझो बरसात में से मच्छर निकल गए थे, वैसे फैली हुई है पूरी गैंग इस टाइम के। अरे ऑफेंड नहीं होना बाबा, समझ लो जिधर को राइम बैठ जाए उधर को बिठा देनी चाहिए, क्या बोलते हो ना। बट यहाँ पर ना ज्यादा शिट गेम ज्यादा है, समझ रहे हो, तो इसलिए सफाई करना थोड़ा मुश्किल है। भाई जी थोड़ा इंटरव्यू देंगे आप अपना, आप यार ये जो रोलर की तरह उतरते हैं ना वहाँ से, जब मतलब टायर फेंको ना कैसे जाते हैं, वैसे गए हैं। मायसेल्फ अरुण अग्रवाल, आई एम फ्रॉम पंजाब। And this is a very easiest task. Easiest. बिल्कुल बड़ा इजीली कर लिया, बड़ा इजीली। और अगर कहीं 3-2-5 होती तो शायद घुटने कहीं गिरे होते, और वो तो मतलब बाद की बात है, बाद की बात है, बट इन्होंने संभाल लिया। हुआ नहीं, वाहेगुरु जी की मेहर है कि हुआ नहीं। एक्सपीरियंस निकले काफी ज्यादा ये बच के भाई, खतरनाक गए है, खतरनाक। और आप खुद गए थे कि मतलब खुद गया? अच्छा खुद गए थे, कोई कोई एडवेंचर करना यार, बोल के जाना था ना, मैं कैमरा ऑन रखता कंटेंट छूट गया सारा यार।
ब्लॉक कांच का है ना, कांच। अभी सारे के सारे कट्टे यहाँ से इकट्ठे करके ऊपर टिप्पर में लेके जा रहे हैं, यहाँ से पकड़ाओ। बड़ा ही ज्यादा बर्फ ये वैसे आगे से फेंकू ना, वहां उठा लेंगे। ये लो है कोई यहाँ आ सकते है पीछे। पूरा क्लीन अप कर दिया यहाँ से, सारे कोई 15-20 कट्टे निकल के गए, उससे ज्यादा ही है। सारे के सारे ट्राले में डाल दिए, एक एक पकड़ना अंकड़ी। टीम के मेन बंदे चले गए अभी असला पानी फेंकने, वहाँ रखने सॉरी डंप पे आठवे। तो सब पिकनिक मना रहे हैं अपना अपना मजे में। हमने भी सोचा कि क्यों ना चला जाए जरा सा नदी के पास, बैठा जाए मजे किए जाए। लास्ट डे है, डन विद द फोटोशूट। लास्ट चरम सीमा पर गाड़ी भी आ गई, बचे हुए बैग्स लेकर जाएंगे अब, सब फ्री हो गए, पूरा मामलात हो गया। काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस चल रहे थे सफाई को लेके, क्या क्या प्लान्स हैं अगले और क्या क्या चीज़ें मतलब हो रही हैं इन्फ्लुएंसर्स को लेके, कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों को लेके। एनीवे करेंगे बाद में बात, अभी लगी है भूख, खाना खाना है, हिक्की में निकलना है। समय पता नहीं क्या हुआ, घड़ी भूल गया। वहाँ कड़ी मशक्कतों के बाद, इतना ज्यादा पैदल चलने के बाद रूम के नजदीक पहुंच गया, हौसला आ गया। पहले तो पीऊंगा 2-3 गिलास भर भर के पानी के, फिर करूंगा थोड़ी देर रेस्ट। जय शंकर महाराज की। आई डोंट नो माइक इज वर्किंग और नॉट, बट आई थॉट कि चलो चलें ऊपर, मौसम बड़ा खराब सा हो गया है। बाइक का थोड़ा सा वो नेट लगवाना है एक। कहाँ चली सरकार सारी घूमने? लंच लंच ओके। गाजा की गलियों में रैंपर बाबा ने मचाई धूम, जी हाँ ये रहेगा हमारा टाइटल, थंबनेल बनेगा कि जाके पहले कुछ खाऊंगा, बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे भूख लग रही है मेरे को। तो यार आज संडे है, अब समझ नहीं आ रहा हिक्किम जाऊं नहीं जाऊं, कि मैं तो पहले देखे हुए हैं रास्ते भी, पहाड़ भी सब देखे हैं, इतना कोई क्रेज नहीं मुझे, बस पोस्ट ऑफिस था एक देखने वाला कि हाँ है ना, और वो दिखावे वाली कहानी मुझे करनी नहीं है कि कहने के लिए चले गए हम कि जी हिक्किम जाकर आए हैं, है ना। ठीक है फिर खाने पे मिलते हैं, देखते कोई बढ़िया सा ढाबा वहां रुकते हैं। टीम हीलिंग हिमालय आया तो अकेला था खाने, मगर ये सारी जनता वेली देख लो यहाँ फिर रही है, देखो सब नमस्ते कर दो प्रणाम क्या बात है। और ऑर्डर में किया अपन ने 3 थुपका और बोले नॉन नूडल, मैंने कहा कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, इतने बंदे खा लेंगे शरीर देख लो सबके, सबने मेहनत की है, सब थके हैं, अब नहीं रुका जा रहा। आए नहीं, अरे भाई भाई ये चेहरा देखो गौर से देख, इस चेहरे को यही वो दरिंदा है, ये देखो वायरल। ठीक है जी खाना खाते हैं, मालिक का नाम करते हैं। जय शंकर। यहाँ प्लेट्स कम दिख रही होंगी मगर जितना माल पेट के अंदर गया ना वो रब्बा आंखें चढ़ देंगे नींद से। अब चलो भाई जो दबा के खाया है ना कसम से, मोमो नूडल पता नहीं क्या क्या पाड़ा है मैंने, ओए होए होए, पर मजा आ गया। थुपका शुपका कुछ नहीं छोड़ा, पूरी कसर कर ली, मतलब जितना चाइनीज माल खाना था खा लिया, कल से राजमा चावल ही खाने जाके। अब जा रहा हूँ मैकेनिक के पास, मैंने बाइक के कवर लगा लिया अगले, मैं क्या आगे खड़े होते हैं मामे भी कई बार, जरा हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है यार, बड़ा कंफ्यूज सा फील कर रहा हूँ कि जाऊँ या ना जाऊँ हिक्किम, क्योंकि देखो बात वो है ना कि मेरे लिए वो गाँव नए नहीं है, ठीक है हाँ नो डाउट मैं पहले कभी नहीं गया हूँ, बट वो है कि पोस्ट ऑफिस है ना वहाँ पे मेन, अदरवाइज तो व्यू और वो सब देखने तो क्या ही जाना मैंने। इससे बेटर बैठ के मैं अपना ब्लॉग एडिट कर सकता हूँ या रेस्ट कर सकता हूँ, है ना वही है, क्योंकि यार जब से आए हैं ना तब से मतलब भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़ वही चल रहा है, समझ रहे हो। कल भी सारा दिन मेरा यही सिरदर्दियों में निकल गया बाइक की, तो आज थोड़ा सा काजा एंजॉय कर सकते हैं, है ना, बट चलो देखते हैं क्या बनता है। ओ डार्लिंग क्या हाल चाल, कर दे मेरा वीर कितने नाटक ला दे, फिर मैं हिक्के में निकलना फिर। पूरा ऑफ रोड, ओह माय गॉड बिजली, और इस एक अलग एंगल से आपको काजा दिखाते हैं, इस वाले एंगल से जो आप बोलोगे बाबा ने क्या दिखाया लाए रे बाबा, ओ देखो ओ रब्बा मेरे, ये देखो थोड़ा आगे लेके जाते हैं,
सो दैट्स काजा हाउ इट लुक्स। हिमाचल की खूबसूरती कही थी ना कि जिस पहाड़ से तुम देखोगे ना अलग अलग तरह की खूबसूरती दिखती जाएगी तुम्हें। अभी तो टॉप पे जाएंगे पहाड़ के। ये देखो यार, ये समझो तुम, तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो ये पूरा रोड अभी कट रहा है, बन रहा है, ये ऊपर से पत्थर अभी गिर रहे हैं ताजा लीवन, मैंने देखा एक दो जगह एक्सट्रीम होता जा रहा है रोड में, देख रहा हूँ काफी ज्यादा। बट काजा भी अपनी खूबसूरती में पूरा पूरा एक्सट्रीम होता जा रहा है, इसको देखने का बहुत ही मजा आ रहा है। क्या राइम्स में बात करते है रे बाबा। थोड़ा सा रुका जरा, यहाँ से समझो जरा, स्लाइड किया ना, आय हाय क्या मजा आएगा। बट एनीवे, हियर इज द काजा, लुक एट दिस विलेज, ब्यूटीफुल विलेज। अब तो ये सिटी हो गया बाबा, काफी रहा नहीं है वैसा, बिजली भी बंद हो गई। बाकी ये सड़क देखो, सांप सीढ़ी वाला रोड देखो, टक 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 ऐसे बना हुआ वहाँ पे। ये छोटा सा गांव, घर गिन अभी गिन सकता हूँ मैं खड़े पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 घर हैं इस गाँव में देखो। और बाकी देखो आसमान के नज़दीक आ रहा हूँ मैं। अभी ज़रा सांस की भी दिक्कत हो रही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा हाइट पे हूँ, मतलब काजा अपने आप में कितनी ज्यादा हाइट पे, बट अगर आप देखोगे समझोगे ना तो वो वाले पहाड़ों के ऑलमोस्ट सेम लेवल पे हूँ मैं। कत्ती के लिए कहाँ से गया रास्ता, रुको जरा यहाँ से चेक करते हैं मतलब कहाँ गया रास्ता। वन मोर शॉट ऑफ काजा। इतना काजा दिखाएंगे वे, इतना काजा दिखाएंगे, कहा बताए कितना काजा दिखाएंगे, कैसे कैसे कहाँ कहाँ से दिखाएंगे। ये पूरी नदी मगर सोचो कितनी चौड़ी है, और जब ये पूरे बहाव पर आती होगी, आई एम टेलिंग यू, कोई भी बड़े से बड़ा कैमरा जस्टिफाई नहीं कर सकता, ये आपको नेक्ड आई से ही देखना पड़ेगा कि क्या फील है। वो थोड़ी बहुत ग्रीनरी, खुद खेती बाड़ी करी हुई है, वो ज़्यादा बोलने को नहीं हो रहा बाबे, है ना, सांस चढ़ रहा है ना, हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, हेलमेट वाइजर बंद करता हूँ। देखो सामने बर्फ पड़ रहा है वहाँ पहाड़ों पे, धुंधी धुंधो रखी है। ओ गॉड, मज़ेदार राइड। एक मुसीबत तो ना, एसडी कार्ड एरर आ गया था बताओ, और ये एरर एक अलग आ गया। अब इसके नीचे थोड़ी मिट्टी निकाल रहा हूँ, और अब बड़ी भरी गहरी है बाबे, कितनी निकाल लेगा तू, ये समझो ना यार, ये पूरा ही वैसे है। स्टार्ट करके थोड़ा वैसे पीछे के निकालने की कोशिश करता हूँ। ट्रक वाला तो आ रहा है कि जा रहा है, जस्ट अ सेकंड, गिव अ वन ट्राई बाबे, ऐसे यस 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 यस, निकल गई निकल गई। ओ गॉड यार, आगे काफ़ी टफ लग रहा है। एक मिनट भाई जी, बाइक जाएगी ऊपर कक्ती नहीं जाएगी, यहीं से मुड़ जाऊँ। ओहो कक्ती जाना था जहाँ, एक ही घर है, रिस्क है, चलो ठीक है फिर, थैंक यू जी। जो नीचे नीचे से गया रास्ता वो वापस वहीं जाएगा, ठीक है कोई नहीं, कुछ हो के ही नहीं रहा जी। अच्छा बोला कि सोलिंग पड़ रही है, पूरा रास्ता खराब है, सोलिंग मतलब ये पड़ रहा है ऐसे, वो बोल रहे हैं नीचे वाले रास्ते से चले जाओ। हाँ जेसी भी लगी है ऊपर देखो, चलो फिर मोड़ लेते हैं यू टर्न यहाँ से। क्या यार बाबा जी, लास्ट गांव देखना था यार मैंने, वो लास्ट घर देखना था, एक घर, सिंगल एक घर है बस, परे वाले रास्ते ट्राई करते हैं। हार तो हम मानेंगे नहीं बाबे, हार नहीं माननी, अब बहुत हार लिए, अब हार को हार पहनाएंगे हम, है ना। अब तो जो मन में ठाना है वो करके रहेंगे, जो मर्जी हो जाए, वक्त को जितनी बगावत करनी है कर ले, क्या ले जाएगा। देखो खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है यार, और पाने के लिए बड़ा कुछ है, मेरे चौहान भाई की बात है ये, अपने यार सारे अपने खास बंदे हो और चौहान भाई, वो वैसे अगर सामान लाना होगा तो पैदल जाते हो, शॉर्टकट होगा, पर वापस तो चढ़ के आना पड़ेगा ना फिर, इतना रोज इतना पैदल चलना, रोज नहीं जाते। अच्छा कभी कभी, हफ्ते में एक दिन दो, एक बार दो बार वैसा। ये देखो जी क्या बढ़िया जिंदगी यार, क्या एक घर है। बट ये बता दूं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं है बिल्कुल भी, इन्हें आदत ही शुरू से रहे हैं, हम जैसे लोग तो एक दिन में एक रात काट के पागल, एक रात भी नहीं काट पाएंगे। और बोलो, एवरीथिंग इज एक्सट्रीम एट दिस प्लेस, शांति, सिर्फ पानी की आवाज, घास काट रहे हैं, वो आवाज और हवा, बस
एक्सट्रीम। मेरे पीछे देख रहे हो ये जो नज़ारा लग रहा है, क्या खूबसूरत है। और ये गाजा का एक ऐसा गांव जहां पर सिर्फ एक घर है, ककती। नाइस। कितना मटर निकलता है आपका यहाँ साल का? 20 कट्टा, 40 केजी के बैग होते थे। अच्छा, 40 केजी का एक बैग, तो मतलब 20 बैग निकल के 40-40 किलो के, मतलब 5 लाख 10 लाख का चला जाता है। 3-4 लाख तक का मटर यहाँ यहाँ से ज्यादा, सिर्फ ज्यादा बीजेगा तो ज्यादा जाएगा, ज्यादा जाएगा। हाँ, कम बीजेगा मतलब बीजने के ऊपर है, वही है कि 4-5 लाख का सिर्फ यही से चला जा रहा है। और इधर आलू लगा है, तो ये बेचने के लिए है अपना? थोड़ा बहुत बेचने के लिए थोड़ा। और जानवर है आपके पास, क्या रखा है? वो आपके जानवर गाय? गाय है। अच्छा, गाय है, चोरू है। चोरू बोले तो जो हल जोते हो, हल जोते। अच्छा, बैल को चोरू बोलते हैं। तो मीट दिस गाय। आपका नाम क्या है? चेरिंग नाम है। अजोगा अजो यहाँ पर बड़े भाई को बोलते हैं। अच्छा, अचो अजो या अचो? अचो सी अचो चो चो अचो नॉट अचो भाई बोलते भाई साहब बोलते ना भाई साहब बोलते वैसे अचो। बर्फ टाइम पे कितना बर्फ पड़ता है इधर? बर्फ पड़ जाता है 3-4 फुट तक। आप तब भी इधर ही रहते हो? अच्छा, तो फिर अपना 6 महीने का 4 महीने का स्टॉक इकट्ठा रखते हो खाने का? 4 महीने के लिए सब रख लेना। 3-4 महीने के लिए लो, देख रहे हो सर्वाइवल 3-4 फुट में। और कितने महीने तक अचो बर्फ रहता है यहाँ? अप्रैल मई तक रहता है बर्फ। अप्रैल मई अप्रैल लास्ट तक बर्फ रहता है। अप्रैल तो पूरा रहता है। और पड़ता कब है? अक्टूबर में। जल्दी पड़ जाता है, बर्फ पड़ जाता है सितंबर में पड़ जाता है कभी तो। अच्छा, वो टिकता नहीं फिर। अच्छा, मतलब अक्टूबर रख लो, चलो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर के बाद 6-7 महीने तक रास्ते बंद। 7 महीने तक का स्टॉक इकट्ठा रखते हैं फिर आप? ओह यार, 4 फुट बर्फ में सोचो यहाँ कैसे चलना रोड पे। दिसंबर के बाद जो पड़ता है फिर वो फिर नहीं पिघलता ना, जो दिसंबर के बाद पड़ती है बर्फ फिर वो नहीं पिघलती। बढ़िया, तो गया स्ट्रगलिंग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग है। लकी थैंक यू बाबा के आया मैं यहाँ, अच्छा लगा मुझे। ठीक है, रास्ते की शॉट्स बढ़िया से एंजॉय करो, म्यूजिक बीट्स के ऊपर नाचो झूमो, चलते। ठीक है आचो, ठीक है चलते हैं। हेलमेट रखा है? नहीं नहीं, कुछ आजो, कुछ नहीं मानो बात। अरे नहीं कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही चलते फिरते घूमते आया, देखो ऐसे अच्छा लगता है ऐसे लोगों से मिलके जो ऐसे चलते फिर तो बोलते चाय भी हो। थैंक यू आजो, चलते हैं ना। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, थोड़ी देर के लिए रुक के मजा आया। Thank you.